मतलब लड़की को आप चॉकलेट और लॉलीपॉप समझते हैं? नहीं, देखिए चॉकलेट ही ऐसा ये जलन है और साली भी इनसे डरती होंगी, है ना, जब हम डर जा रहे हैं, है ना। तो जगत जीजा आप लोगों ने बनाया है तो ये हम चॉकलेट पे जीजा। एक बात बताइए सर, क्या आप चॉकलेट पे जी साली को मना सकते हैं? चॉकलेट पे मनाने का कोशिश किया था पर मानी नहीं। पवन सिंह ने किस पे मनाने का, लॉलीपॉप में मनाने का कोशिश किया था, आप चॉकलेट पे मनाने की कोशिश करते हैं। इनका कहना था कि बुलेट पे जीजा इतना वायरल है कि बिना पेट्रोल का चल दे रहा है ना, मतलब कॉमेडी जस्ट लाइक। तो बस यही है कि फिल्म आ रहा है, आप लोग सपोर्ट करिए फिल्म के, जो चीज विरासत में मिला हो उसको हम नहीं हटा सकते हैं। बाकी क्रॉस कर गया मानिए तो सबसे ज्यादा लड़कियों ने पसंद किया, भाभियों ने पसंद किया बुलेट पे जीजा। क्या लगता है अभी 35 हीरोइन के साथ लॉन्च हो रहे हैं बुलेट पे जीजा, मतलब कि पूरा वर्ल्ड का जीजा बनने का आपने ठेका लिया है? जो चीज विरासत में मिला हो उसको हम नहीं हटा सकते हैं। बाकी नमस्कार प्रणाम, मैं हूं आप सभी का भाई तेजा और आप सभी देख रहे हैं हेडलाइन भारत। देख सकते हैं कि खेसारी लाल यादव या पावर स्टार पवन सिंह हो कभी दुनाली के साथ सामने नहीं आए, ये कहिए कि दुनाली लेके नहीं घूमते हैं। सर अभी हमारे साथ विनय पांडे जी हैं, सर आप दुनाली लेके घूमते हैं, क्या बात है सर? देखिए छोटे कलाकार हैं, बचपन से सीखते हुए आए हैं और विनय पांडे का ये इतिहास है कि विनय पांडे 5 लाख रुपया कमाता है तो 4 लाख रुपया अनाथ आश्रम और वृद्ध आश्रम में लेके जाता है। तो आप किसी से भी बनारस में पूछ सकते हैं कि मेरा क्या कनेक्टिविटी बच्चों के साथ, मतलब एक फीलिंग होता है ना। बनारस का शेर आपको कहा जाता है, ऐसा क्यों कहा जाता है? क्या आप दुनाली लेके घूमते हैं या आप ज्यादा समाज सेवा करते हैं, कारण क्या है इसका पीछे? हम समाज का ही सेवा करते हैं और मैं सीखता हूँ हमेशा, छोटे बड़े सभी लोगों से सीखता हूँ और सीखते सीखते ही आप लोगों ने इतना बड़ा किया है और हमें नहीं लगता कि मेरे अंदर कुछ है, क्योंकि सीखना कभी खत्म होता नहीं है। जो आप लोगों ने बना दिया है बस वो बन चुका हूँ और उसी बने पे बुलेट पे जीजा माता रानी का गाना आया नवरात्र में और ये गाना इंटरनेशनल हिट किया आप लोगों ने। तो आप लोगों का ही दिया हुआ सब कुछ है, मेरा कुछ नहीं है और आजीवन आप लोग के चरण में ही शरण में ही रहेंगे और सीखते रहेंगे। बहुत छोटे हैं और जिंदगी में बड़ा बनना भी नहीं है और बड़ा है भी नहीं, तो आप लोग का प्यार आशीर्वाद है, आप लोग ऐसा बनाए हैं। बुलेट पे जीजा मतलब कि 800 मिलियन क्रॉस कर गया मानिए तो सबसे ज्यादा लड़कियों ने पसंद किया, भाभियों ने पसंद किया बुलेट पे जीजा। क्या लगता है अभी 35 हीरोइन के साथ लॉन्च हो रहे हैं बुलेट पे जीजा, मतलब कि पूरा वर्ल्ड का जीजा बनने का आपने ठेका लिया है? ये तो नहीं बता सकते, शायद आप लोगों ने बना दिया है। नहीं, हमने नहीं बनाया, लड़कियों ने बनाया है। इसका मतलब कि आप मुझसे प्यार नहीं करते? आप ऐसे बहुत प्यार करते सर, सवाल अभी बहुत अच्छे अच्छे हैं, क्योंकि ये खतरनाक जीजा लग रहे हैं थोड़ा सा, है ना। ये जलन है और साली भी इनसे डरती होंगी, है ना, जब हम डर जा रहे हैं, है ना। तो जगत जीजा आप लोगों ने बनाया है तो ये पहले सर थोड़ा सा गाना हो जाना चाहिए आपका, बुलेट पे जीजा, मतलब कि जितना बुलेट का प्रमोशन आपने किया, अगर आप उसके कहा जाए कि बुलेट के ब्रांड एम्बेसडर होते तो बुलेट आज जितना बिक रहा है उससे सबसे बड़ा योगदान आपको जाता है। रॉयल इनफील्ड से मेल भी आया था कि मुझे ना सर मेल आ गया ना, मानते हैं ना मेल आ गया, मतलब बुलेट पे जीजा आपका हिट कर गया सर, गिफ्ट मिलने वाला है। और उनका कहना था कि बुलेट पे जीजा इतना वायरल है कि बिना पेट्रोल का चल दे रहा है ना, मतलब कॉमेडी जस्ट लाइक। तो बस यही है कि फिल्म आ रहा है, आप लोग सपोर्ट करिए फिल्म पे। थोड़ा सा सर चाहेंगे गाना गुनगुना दीजिए, नहीं तो वो लड़कियां हमको माफ नहीं करेंगी, वो भाभी नहीं माफ करेंगी जो अपने जीजा से प्यार करती है और जो आपसे प्यार करती है यानी विनय पांडे सोनू जी से प्यार करती है। कि मानब ना हम चॉकलेट पे जीजा। एक बात बताइए सर, क्या आप चॉकलेट पे जी साली को मना सकते हैं? चॉकलेट पे मनाने का कोशिश किया था पर मानी नहीं। पवन सिंह ने किस पे मनाने का, लॉलीपॉप में मनाने की कोशिश किया था, आप चॉकलेट पे मनाने की कोशिश करते हैं, मतलब लड़की को आप चॉकलेट और लॉलीपॉप समझते हैं? नहीं, देखिए चॉकलेट ही ऐसा प्यारा एक प्रॉपर्टी होता है जिससे लोग कम बजट में
कंजूस वाले जीजा जी होते हैं ना, जो आप कंजूस वाले जीजा जी इसका अब इतनी सारी करोड़ों सालियां रहेंगी तो हम बिक जाएंगे, घर द्वार बेचना पड़ जाएगा मुझे। कंजूस वाले जीजा जी हैं आप, मान सकते हैं, भैया सालियों देख लीजिए, फोकस कर लीजिए, ये कंजूस वाले जीजा जी हैं, पर बुलेट पर जरूर घुमाएंगे, ध्यान रखिएगा। उसमें क्या बोलती हैं कि मन बना हम चॉकलेट पा जीजा, चौमिना चाट के पलेट पा जीजा, बुलेट पा जीजा, बुलेट पा जीजा, ले चली घुमावे बुलेट पा जीजा। चलिए भैया थैंक यू सो मच, आप लोग अभी सवाल कुछ सवाल है बुरा हाल तो देख सकते हैं। ये थे हमारे साथ सर, एक सवाल है, एक सवाल दे दीजिए। तो देख सकते हैं ये थे हमारे साथ विनय पांडे यानी बुलेट पे जीजा, जिन्होंने साफ तौर पे कह दिया कि सालियों को चॉकलेट और लॉलीपॉप में मलाएंगे, चाहे छपरा रहे या आरा रहे। आप सभी इसी तरह हमारे साथ बने रहिए, बुलेट पे जीजा विनय पांडे जी के साथ हम मौजूद।